नमस्कार, आई एम अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ फास्ट फिंगरिंग प्रैक्टिस राग भैरव। राग भैरव बड़ा ही कठिन राग माना जाता है बांसुरी वादकों के लिए। इसमें रे कोमल है और ध भी कोमल है, इसलिए फिंगर को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, लेकिन आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो जरूर इसे संभाल पाएंगे। रे कोमल और ध कोमल, पहले देखा जाए आरोह अवरोह। बांसुरी जो मैंने लिया है वो है जी बेस पूनम फ्लूट, काफी कंफर्टेबल है, आप भी यूज कर सकते हैं। और अगर जी बेस आपके पास है तो मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। इसमें जो फास्ट फिंगरिंग के लिए जो चार चार स्वरों का एक समूह बना लेते हैं, पहले लोअर ऑक्टेव का प ध नि सा और फिर मध्य सप्तक का सा रे गा, उसको फास्ट करेंगे। अब इसको फास्ट फिंगरिंग में लेना है और दूसरा जो पीस है हमारे पास सारे गामा मगरिसा। टैंगिंग में रू और तू का हम अभ्यास करने वाले हैं, पहले तू से। यह हमारे पास जो पीसेस है इनको हमने किया है और ये अभी हम लोअर ऑक्टेव और मध्य सप्तक में कर रहे हैं। इसी तरह से इसको कम से कम 5 से 10 मिनट खूब अभ्यास करना है। अब इसके बाद इसका अवरोह भी करेंगे। मगरे सा सा नी धा पा। अब इसको 10 मिनट आपको खूब अभ्यास करना है। अब इसको मिला लेना है, दोनों मिलाकर अभ्यास करना है। पा सा नी धा पा।
करेंगे सा रे गा मा मा गा रे सा मा गा रे सा। ये हो गया 5-5 मिनट, इस तरह से अभ्यास कीजिए। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, यानी पौधा निशा के पहले सानी धापा पौधा निशा और उल्टा फिर मा गा रे सा सा रे गा मा, इसको करेगा। इस तरह से खूब अभ्यास करना है। इस तरह से आप 15 से 20 मिनट अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद बाड़ी आती है, ऊपर की पिच में जाएंगे, जो ऊपर का पिच का भी अभ्यास बहुत जरूरी है। सेम चीज को ऊपर की पिच में लेंगे। प प द नि सा प द नि सा प द नि सा। इस तरह से हमने लिया। अब हाई पिच में सारे गामा मगर उसको भी लेंगे, सारे गामा मगर रेसा मगर रेसा मगर रेसा। इस तरह से हमने ऊपर का भी ले लिया। अब दोनों हिस्से मिला देंगे, यानी पधा निशा सानी धापा का अभ्यास करेंगे एक साथ। सारे गामा सारे गामा मगा रेसा मगा रेसा मगा रेसा। इस तरह से आपको मिलना है। फिर इसका यानी अवरोहात्मक भी करना है, यानी सानी धापा पधा निशा मगा रेसा सारे गामा। इस तरह से जब आपका अभ्यास अच्छे से हो जाए तब इसमें दोनों ऑक्टेव को मिला देना इस तरह से। जितना आपका कंट्रोल हो जाए दोनों ऑक्टेव को मिला मिला कर अभ्यास करेंगे। आप चाहे तो स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। देखिए हमने स्पीड को बढ़ाया और दोनों ऑक्टेव साथ ले लिया। देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। अब इसका अवरोह लेंगे। खूब इसको अभ्यास आपको करना होगा, बाद में दोनों ऑक्टेव को मिक्स कर ले। यानी नीचे से अवरोह किया तो ऊपर के ऑक्टेव से अवरोह ले लिया, और ऊपर के नीचे का ऑक्टेव से अगर अवरोह अवरोह लिया तो
तो ऊपर के नीचे से आर ले लिया। तरह तरह से आप उसको बजा सकते हैं, खूब इसका मजा लीजिए। इसको जितना आप अभ्यास करेंगे फिंगर आपका तैयार होगा, बहुत अच्छा होगा, और तीन ताल या कहरवा में, दादरा में, किसी भी ताल में बजाने की बहुत अच्छी कैपेसिटी आएगी आपको। तरह तरह से आएगा, आप इसको डिजाइन को जो भी आप पलटे एक जैसा बनाना है उसको आप लिखते जाइएगा। जो भी आपके दिमाग में नया ख्याल आए उसे लिखना ना भूलें, लिखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये राग भैरव पर मेरा चौथा एपिसोड है, इसे आप जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू, कीप वॉचिंग मी। नए एपिसोड के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।